संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ ने की मरीज के परिजनों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज। पति पत्नी की लात घूसों से की बेदम पिटाई। हॉस्पिटल में मचा हंगामा। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची डायल 100 पुलिस। रीवा संजय गांधी अस्पताल बना है इन दिनों चर्चा का विषय। आए दिन मरीज के परिजनों के साथ हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा की जाती है गाली गलौज एवं मारपीट। आज फिर एक बार संजय गांधी अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की गई। पीड़ित मिथिला प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मैं अपनी बहन निर्मला शुक्ला को अपेंडिस का ऑपरेशन कराने के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और डॉक्टरों से प्राइवेट रूम देने की बात हुई थी और पूरा कागजी रिकॉर्ड पूरा होने के बाद जब आज ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया और ऐसे रूम में शिफ्ट किया गया जहां बहुत ही गंदगी थी। इसी बात का विरोध सीनियर डॉक्टरों से किया तो वहां के जूनियर डॉक्टर पति पत्नी के साथ गाली गलौज एवं मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं पीड़ित मिथिला शुक्ला ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के अंदर से जान बचाकर भागा हूँ, अब हमें भय है कि कहीं हमारी बहन को जहर का इंजेक्शन ना दे दे। हालांकि मरीज के परिजनों ने इस मारपीट की शिकायत डायल 100 एवं पुलिस अधीक्षक को फोन के माध्यम से दे दी है और रमैया थाने में डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? मिथिला प्रसाद त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या घटना हुई है आपके? मेरी बहन कल शाम को एडमिट हुई यहाँ पर, अपेंडिक्स के ऑपरेशन होना था जी। और आज सुबह लगभग 12 बजे आसपास वो ऑपरेट होकर बाहर निकली जी। इनकी जो पहले बात हुई थी जी, तो प्राइवेट रूम देने की बात हुई थी जो कि चार्ज लगता है उसमें जी। और फिर जब बाहर निकाले तो एक ऐसा रूम दे रहे थे जहाँ की मवेशी भी नहीं रह सकता जी। और जब मैं उसके लिए आवाज़ उठाया तो मेरे साथ सीनियर डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो स्टाफ थे उन्होंने मेरे साथ हिट किया। सीधे बोला, तुमको कौन बोला था कि प्राइवेट रूम मिलेगा? और मेरे को गाली किया। लोगों ने आपको मारा? कम से कम 10 से 12 लोग थे इकट्ठा होकर के, पूरा स्टाफ ही इकट्ठा हो गया, लेडीज। और जो चेस्ट पे चोट लगा हुआ है, खून आ रहा है, ये देखिए आपके सामने ही होगा। अच्छा, ये अभी अभी कहा है, चाहे आप जब भी दिखवा सकते हैं। और मेरे यहाँ सिर पे 4 हिट किया गया है। आप पकड़ के, आप पूर्व सैनिक भी हैं? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। और आपके मिसेज के साथ भी बदतमीजी? मिसेज के साथ भी बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुआ, सब कुछ हुआ। से बात कर रहे थे, इतनी जानकारी आपने यहाँ दे मारा है और गाली दिया, मां बहन का गाली। मैं वहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचा के, मारो मारो करके बोल रहे थे, मैं किसी तरह से जान बचा के सर मैं बाहर भाग लिया। पेशेंट कहाँ है? मेरे पेशेंट भी अंदर है, एडमिट है। अगर उसको कुछ हुआ तो फिर? अच्छा, 100 डायल को आपने फोन किया? 100 डायल को बताया हुआ सर। 100 डायल क्या बोले, आ रही है? आ रही सर। अच्छा, आपने सीएमओ सर को बताई इसके बारे में जानकारी थी? मैं सीएमओ साहब को मैं बताने का मौका कहाँ मिला सर, घेर रहे थे पूरा मारने के लिए, बिल्कुल घसीट रहे थे। मैं सीएमओ साहब को बताऊं कि अपनी जान बचाऊं। और किसी अधिकारी को आपने फोन किया? मैं किसी अधिकारी, मैं अपने SP साहब को फोन किया तो वो बोले कि पहले आप थाने में रिपोर्ट करिए, आप एक्समैन है तो आप पहले डायरेक्ट कमांडेंट को फोन करते हैं या तो डिप्टी कमांडेंट को या नीचे लेवल में बात करते हैं। इस तरह से टरका दिया उन्होंने SP साहब ने। कलेक्टर साहब फोन नहीं उठाए। कितने बजे की मारपीट की घटना? ये अभी मुश्किल से सर 40 से 45 मिनट पहले की बात है। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, आर्मी रिटायर्ड। अभी आप लोगों को कोई ऐसी आशंका, कोई ज्यादा? मेरे को डर है कि मेरी बहन को इस बात से, मेरी बहन को किसी भी सूरत में कुछ उल्टा सीधा जैसे दे देंगे और उससे उसकी मौत हो सकती है और कुछ भी दिखा सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं इसका पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए या तो छोड़ दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए। चलिए, हम अपना कहीं भी ले जाएंगे। और यहाँ पर ये हालत रही तो कौन आएगा, किसके लिए बना हुआ है हॉस्पिटल? और मेरे साथ जो मारपीट किया है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, FIR होना चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। क्यों रीजन वो देना चाहिए कि उसने क्यों हिट किया मेरे ऊपर? कोई उसके लिए भी कानून है या नहीं है, खाली जनता के लिए है। बताइए, आपका नाम क्या है? निर्मला त्रिपाठी। त्रिपाठी मैम, क्या घटना हुई आज के, क्या बात हो गई यहाँ पे? सर, यहाँ ऑपरेशन है मेरी नंद का, मैं सुबह से यहाँ आई हुई हूँ 7 बजे से जी। अभी तक बैठी थी, 1:30 बजे के करीब ऑपरेशन से बाहर निकली है और हम लोगों को यही पता था कि प्राइवेट रूम दिया जाएगा जी। प्राइवेट डॉक्टर देखे थे इनको।
यहाँ शिफ्ट किए थे, तो उस वजह से हम बात किए कि सर हमको प्राइवेट रूम देने के लिए बोले हैं तो प्राइवेट रूम दीजिए। आए अब इसके बाद फिर आके बात किए हैं कि मतलब प्राइवेट रूम में बहुत गंदगी थी उस सर जहाँ रूम दिए थे, खाली एक सिंगल है बेड था उसमें जहाँ हमको शिफ्ट कर रहे थे। कौन किया आपके साथ? जो जूनियर डॉक्टर हैं, गार्ड था, गार्ड मारा नहीं है, पकड़ रहा था वो कर रहा था, लेकिन जितने जूनियर डॉक्टर थे और वहाँ जो पर्ची अर्ची लेके घूमते हैं जी। वो सब थे और गाली माँ बहन का गाली दे के, और मैं बोली कि सर ऐसे ऐसे बात ही मैं बता रही हूँ मुझे पता है, तो मेरे को भी मारे हैं यहाँ दो चाटा और मेरा हाथ पकड़ के ढोंस दिया, बोला माधर चौथ बाप को बुला के ला, गाली दे रहे हैं, गाली दिया है। अभी ये बाप आ जाएगा तो फिर हमें चाहते हैं कि उसको अच्छे से इलाज हो उसका और इनके ऊपर कार्रवाई है। आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ कोई और गरीब आएगा उसके साथ क्या करेंगे, कैसे बात करते होंगे।